मुस्ताई मौसी का ड्राइविंग लाइसेंस। ये तो मुस्ताई मौसी का ड्राइविंग स्कूल है ना? क्या वो वहाँ होंगी? पता नहीं, उसे यहाँ आते हुए काफी दिन हो गए हैं, पर यहाँ आने से पहले सिर्फ एक दिन ही उसने बात की थी। अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो मैं तुम्हें भी दिला दूंगी। काफी दिन हो गए हैं, पता नहीं उसे लाइसेंस मिला भी है या नहीं। वैसे मेरे लर्निंग लाइसेंस की भी डेट खत्म होने वाली है, शायद मुसई मुझे वही मिल जाए। अरे मिस्टर यूडान किची। आइए मिसेस नोहारा, आप तो मिस मुसाई की बहन और ये आपकी प्यारी सी बेटी है ना? अरे वाह, आपको तो अब तक याद है। हाँ, मुझे सब याद रहता है। अरे नहीं, मुसाई मौसी तो आज यहाँ आई ही नहीं। मुसाई मौसी, यहाँ तो मुसाई मौसी का नाम लिखा हुआ है। मम, इधर आकर देखिए। हाँ, तुमने सही कहा। ये नोटिस तो इस बात का है कि उन्हें एक टेस्ट देना होगा। अगर वो ड्राइविंग का ये टेस्ट पास कर लेती हैं, तो उसके बाद ही उन्हें लर्निंग लाइसेंस मिल पाएगा, नहीं तो ये टेस्ट उन्हें दोबारा देना होगा। क्या? अगर उसने फिर से टेस्ट दिया तो इसका मतलब उसे दोबारा फीस देनी होगी। आप सही कह रही हैं। अरे नहीं, इसका मतलब मुझे फिर से उसकी फीस भरनी पड़ेगी। देखिए, आप यहीं पर इंतजार करें, मिस मोसाई की क्लास थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। वाह, मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। क्या थोड़ी देर बाद? पता नहीं कितना इंतजार करना होगा। वो सब लोग भी पास होकर चले गए जो मिस मुसाई से पहले आए थे। पता नहीं मिस मुसाई को इतना टाइम क्यों लग रहा है। थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। पर उन्हें देखकर लगता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। वो हार नहीं मानेंगी। बात यह है कि वो हर काम धीरे धीरे करती हैं। बल्कि ये तो उनकी अच्छी आदत है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। समझ नहीं आता कि लोग मुसाई की तारीफ क्यों करते हैं। काश लोग मेरी भी इसी तरह तारीफ करते। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो अच्छी बात है। मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है। कोई बात नहीं, मुझे मुसाई की मदद करनी होगी। बताओ ये क्या है मुसाई? ये रोड ट्रैफिक साइन है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है कि ये एक साइन है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अरे ये तो मुझे भी पता था, योशिनागा मैम ने क्लास में बताया था। चुप रहो। इसका मतलब है नो एंट्री। देखो इस पर लिखा हुआ भी है। अरे हाँ हाँ, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। इसका मतलब क्या है? लेकिन ये तो नीले रंग का है, इसलिए। मैं समझ गई। डैड डैड सुनिए, मुझे एक साइकिल चाहिए। मैंने सही कहा ना? अच्छा ऐसा है। अरे ऐसा नहीं है मुसाई, इसका मतलब है सिर्फ बाइसिकल और पैदल चलने वालों के लिए। खैर छोड़ो, ये तो बहुत ही आम निशान है। चलो इसके बारे में बताओ मुझे। अरे ऐसा निशान भी होता है? मैं बताऊं, इस निशान का मतलब है कि आपकी पसंदीदा सामान पर 10% की छूट है। मैंने सही कहा ना? तुमने बिल्कुल गलत कहा। मुसाई तुम बताओ। मुझे नहीं पता है। तो फिर सुनो, इसका मतलब है कि आगे चढ़ाई है। ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा ही कहते हैं, समझे? चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्या आपने ये एक्शन कामियन की कार मेरी चलाने के लिए बनाई है मैम? नहीं बेटा, ये मैंने मुसाई के लिए बनाई है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मुझे इसे चलाना क्यों होगा? प्रैक्टिस के लिए मुसाई, ताकि जब तुम कार चलाओ तो तुम्हें आसानी हो। ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। क्या तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए? क्या तुम इस बार भी टेस्ट में फेल होना चाहती हो? बोलो मुसाई, क्या सोच रही हो? पर तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि मुसाई, मैं बार बार तो तुम्हारी फीस नहीं भर सकती ना। मुसाई मौसी, क्या आप एक बार भी ड्राइविंग टेस्ट में पास नहीं हुई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुनो शिनचैन, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। अरे ये तो, खैर छोड़ो, मैं तो इसे प्रैक्टिस करवा कर रहूँगी। मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझने की जरूरत भी नहीं है। युडान किसी तो कह रहा था कि ये हार नहीं मानेगी। ठीक है ठीक है, चलो मैं इसे चलाती हूँ। रुको, पहले मेरी बात सुनो।
सबसे पहले तुम्हें अपने आसपास अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, समझी? मुझे ये भी करना होगा? हाँ, कोई खतरा भी तो हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। कोई खतरा तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं, रास्ता साफ है। मसाई मौसी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ? मॉम से भी पूछ लेना चाहिए। हाँ, ये तो है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें सब कुछ अपने आप ही करना है। मुसाई, आगे सब ठीक है, पीछे सब ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले तुम कार पार्किंग के बारे में जान लो। ये अच्छा नहीं है। अरे नहीं, ये तो सच में। मुसाई मौसी, अब क्या करेंगी? इसकी प्रैक्टिस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मुसाई, आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये देखो, तुम्हारे पास कार पार्किंग के लिए बस इतनी सी जगह है। चलो कार पार्क करके दिखाओ। मैं समझ गई हूँ। पी 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 पी। अरे, अब मैं गाड़ी कहाँ लेकर जाऊँ? ठीक है, चलिए पीछे आ जाइए। आते रहिए, आते रहिए। कार टकरा गई है। ये तो शिनचैन की वजह से हुआ। ऐसे नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तुमने उसकी बात मानी ही क्यों? अब घुमावदार रास्ते की प्रैक्टिस। पी 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 पी। तुम्हें चारों पहियों का ख्याल रखते हुए धीरे धीरे चलाना है। पी पी। अरे बाप रे, क्या कर रही है? ठीक है, अब हाईवे पर ड्राइव करेंगे। क्या हम नए हाईवे रोड पर जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना आगरा चलते हैं। ठीक है, मुसाई कार स्टार्ट करो। ठीक है, मिरर बिल्कुल ठीक है, सीट बेल्ट भी बिल्कुल ठीक है, ब्रेक दबाओ, इंजन स्टार्ट करो, पहले क्लच दबाओ, फिर गियर लगाओ, अब ब्रेक से अपना पांव हटा लो, हम रेडी हैं, सिग्नल दो और पीछे देखो, एस्केलेटर दबाओ। तुम तो बहुत बढ़िया कर रही हो मुसाई, अब धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाती जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। अब तुम क्यों कार चलाने लग गए शिनचैन? मैं आप लोगों से पहले पहुंच जाऊंगा। तुम कार नहीं चला सकते, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो दीदी? सही, मेरी बात सुनो। अरे शिनचैन, क्या कर रहे हो? कार बहुत ही तेज है, चलना चाहिए। अरे रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। रुको शिनचैन, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छी ड्राइविंग की। तुम टेस्ट में जरूर पास हो जाओगी। 28? याहू, मुझे लर्निंग लाइसेंस मिल गया। ये तो अच्छी बात है, मुझको बहुत खुशी हो रही है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। दीदी, खुशी की बात, मुझे लर्निंग लाइसेंस मिल गया, मैं पास हो गई। मुबारक हो। हाँ, शुक्रिया। खरगोश का रहस्य। देखो ये कितना प्यारा है। पता है दोस्तों, मैं इस खरगोश को लेना चाहती हूँ। पर नैनी, तुम्हारे पास तो एक ऐसा खरगोश है ना? हाँ, नहीं मेरे पास नहीं है। हाँ है नैनी। हाँ है, बिल्कुल है। है ही। अरे नहीं, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। इस खरगोश में और उस खरगोश में बहुत फर्क है। क्या सच में? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो ना, ये बिल्कुल अलग है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें एक और खरगोश चाहिए? मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूँ। तो क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बताओ? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। ये लो। पर मॉम, मुझे तो गाजर का जूस पीना है। क्या मैंने सचमुच अभी अभी गाजर का जूस कहा? हाँ बेटा, मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन मैं दूध ले आई। तुम दूध पियोगी ना नैनी? हाँ। अरे क्या तुम ये पहनकर ही सो गई थी?
पता नहीं मैंने इसे कब पहना। ये तो मॉम आपका है ना? हाँ। मैं रख लूँ? पर तुम्हारे लिए अभी ये थोड़ा बड़ा है। इसे मत उतारो। बोलो क्या है? सुनो नैनी, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? नहीं तो? तो ये पहनना अलाउड नहीं है नैनी। पर इसे तो आज सुबह ही मैंने घर पर छोड़ दिया था। हाँ तो बच्चों, आज सबके लिए मैं एक मजेदार चीज लाई हूँ। अभी दिखाती हूँ। इसमें क्या है? क्या है? ये तो एक कछुआ है। तो आज हम एक कछुए की पिक्चर बनाएंगे। क्या मुझे भी ये करना है? मैंने क्या कहा अभी? लेकिन मुझे तो कछुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों है ना? क्या तुम यहीं पर हो? ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? क्या हुआ नैनी? मुझे कछुआ पसंद नहीं तो मैं इसे नहीं बनाऊंगी। मैंने ऐसा क्यों कहा? पर तुम तो उन लोगों में से हो ना, जो चाहती है वही लेती है ना? मैं धीरे धीरे तुम्हें समझ रहा हूँ और शायद बहुत जल्दी ही तुम्हें पूरी तरह समझ आऊँगा। मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन मैं तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल कर सकता हूँ और इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वो भी हर समय, तो मैं हमेशा बहुत खुश रहूँगा। शायद यही कछुआ देखकर सोया हुआ खरगोश जाग गया। उसे उसके धोखे का बदला जो लेना है। खाना शुरू करते हैं। पता है आज मैं बहुत ही टेस्टी खाना लाया हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। तो समय ये नहीं, मुझको तो सैंडविच में सिर्फ हरी सब्जियां ही पसंद है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। देखो तुम मुझे नहीं बता सकते कि क्या करना है क्या नहीं। वो देखो कजामा का खाना, मुझे तो वही खाना है। नहीं, वो कजामा का खाना है, तुम उसे नहीं खा सकते। और वो देखो मसाओ को, उसके पास कितना प्यारा रुमाल है। मुझे उसका रुमाल प्यारा नहीं लग रहा है। अरे तुम्हें क्या हुआ नैनी? मैं बस अभी वापस आती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे नैनी पहले से अभी ठीक है, पर आप इसका ध्यान रखिएगा। मुझे घर जाना है। घर जाके आराम करना। अच्छा, शुक्रिया। कितनी अच्छी बात है कि तुम अब ठीक हो नैनी। अरे हाँ, उस खरगोश पर अब डिस्काउंट मिल रहा है, तुम्हें चाहिए ना? नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? पर तुम्हें तो वो बहुत पसंद था। पसंद तो था, पर मेरे पास पहले से ही बहुत सारे हैं। चलो ठीक है नैनी, आज तुम बस आराम करो। वैसे तो मुझे बड़े लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों बाद नैनी के साथ फिर रहूँगा। आज मैं योनर भैया के साथ प्लेनेटेरियम जाऊंगी। कल रात मैंने पार्क में एक लड़की को देखा। वो टेलीस्कोप से कुछ देख रही थी। मुझे भी टेलीस्कोप से तारों को देखना अच्छा लगता है। हो सकता है वो अपना टेलीस्कोप मुझे दे दे। काश मॉम डैड मुझे कहीं घुमाने ले जाते। तुम भी मेरी तरह टेलीस्कोप के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, समझ गए? देखो, जब कोई नया तारा ढूंढते हैं तो उसको बहुत मशहूर कर दिया जाता है, उसे अवार्ड भी मिलता है। तुम भी वैसा कर सकते हो, समझ गए? मैं भी कोशिश करूंगा कि मुझे कोई नया तारा मिल जाए। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर मैंने नया तारा ढूंढ लिया तो क्या होगा। मुझे प्लेनेटोरियम जाना चाहिए। वहाँ बैठ कर मैं तारों के बारे में जान सकता हूँ। योनर भैया, आप कुछ अलग दिख रही हैं, क्या बात है? कैसी बेकार की बातें करते रहते हो। हाँ शिनचैन, ये बताओ क्या तुम मेरे साथ प्लेनेटोरियम चलना चाहोगे? पर ये प्लेनेटोरियम क्या होता है? देखो, वो प्लेनेटोरियम होता है, वहाँ पर तारों के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है।
कोई बात नहीं, तुम अपनी पसंद की चॉको चिप्स भी ले सकते हो। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बताइए, आप दिन में तारे क्यों देखना चाहती हैं? वो बात ये है कि मुझे टेलीस्कोप से तारों को देखना बहुत पसंद है। हाँ? अच्छा तो ये बात है, आप तभी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तुम बस अपनी चॉको चिप्स खाओ। एक और चिप्स का पैकेट मिलेगा। देखो, मैं तुम्हें और चॉको चिप्स नहीं खिला सकता। अब जल्दी चलो। आपको मुझे यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं आया है भैया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़ी देर में बहुत बच्चे आ जाएंगे यहाँ पर। वाह, शो शुरू होने वाला है। अब आराम से बैठते हैं। मैं भी करूँगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सितारों की रहस्यमय दुनिया में। कितना प्यारा नजारा है। पॉपकॉर्न मिलेंगे क्या? चुप हो जाओ तुम। आज आप लोग देखेंगे कि हमारे आकाश में किस किस तरह के सितारे मौजूद हैं। कितना अच्छा होता अगर कोई मेरे साथ होता जिसे मैं तारों के बारे में बता सकता। वो देखो, वो तारा, वो साल में एक ही बार नजर आता है। वाह, आपको तो बहुत कुछ मालूम है। अगली बार मैं तुम्हें और भी तारों के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। अच्छा रहेगा। तुम्हें तारे पसंद है। अब देखो ये वाला तारा। रुको गए भैया, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी। तुम क्या यहाँ सोने के लिए आए हो? आपको इस तरह यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ हमें चुप रहना चाहिए। है है। दक्षिण की तरफ आपको दिखेंगे उर्सा माइनर, बिग डिपर, ड्रैको इत्यादि। अरे वाह, ये तो कमाल है, तारों से भी ड्राइंग बन सकती है, मुझे आज ही पता चला। अगर तुम सोचो तो इन तारों को आपस में जोड़कर कोई ना कोई आकृति बना सकते हो, बड़ा मजा आएगा। अगर सोचो तो इनसे ड्राइंग भी बन सकती है। बताओ, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? अरे वाह, वो देखिए, आसमान में लोग उड़ रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है भैया। कहाँ? मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ है। वहाँ देखिए, वहाँ ऊपर, ध्यान से देखिए, रंग बिरंगे कपड़े पहने कितने सारे लोग हैं। कितना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने। क्या तुम दोनों से शांत बैठकर देखा नहीं जाता? माफ कर दीजिए। आप भी देखिए जरा। इस मौसम में आकाश गंगा की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। वो देखो शिनचैन, कितना अच्छा तारा है। आज आप नाखून काट के आए हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो, देखो ऐसी बातें नहीं किया करते। आसमान में नदी? देखो वो कोई नदी नहीं है बल्कि आकाश गंगा है। आकाश गंगा, पता है? इस वक्त हम खुद आकाश गंगा में हैं और यहाँ से बैठे हुए आकाश को देख रहे हैं, तभी यहाँ से ये सारे तारे ऐसे लगते हैं जैसे किसी नदी में हों। तुमको तो बहुत कुछ मालूम है। ये तो मुझे भी मालूम है, बल्कि मुझे तो इससे भी ज्यादा चीजें मालूम है। मुझे पता तो नहीं चला कि उन भैया ने क्या कहा, पर उन भैया को बहुत कुछ पता है, ये तो सच बात है। चुप हो जाओ तुम। जैसे कि फॉर्च्यून, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। देखो वहाँ पर जो सारे तारे हैं वो आपस में मिलकर एक समर ट्रायंगल बनाते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। तीन अल्फा स्टार्स को जोड़ने पर समर ट्रायंगल बनता है। गौर से देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्या आपको पता था? मुझे ये सब पता था। पर ये अल्फा स्टार कौन से होते हैं? लायरा से वेगा, एक्विला से एल्टेयर और एक और होता है। वो साइरस से डैनब तक होते हैं। पर ये बताने की जरूरत क्या है, ये तो सबको पता है, मुझे भी पता था। तुम कौन हो? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। मुझे तो तारों के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे भी भैया से तारों के बारे में काफी कुछ जानना है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसे बच्चों की तरह बातें थोड़ी करते। बहुत मामूली बातें बताई तुमने। मैं तुम जैसे आदमी से बात करना पसंद नहीं करता हूँ, समझे? क्या कुछ खाना पसंद है? क्या बहुत कुछ पता है मुझे, समझ गए तुम मेरी बात? आखिर तुम दोनों को तकलीफ क्या है? मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद
अब मैं इसको जाकर बताऊंगा कि मुझे तारों के बारे में कितना पता है। उससे ये बहुत खुश होगी और हो सकता है कि अरे आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ से जब भी मैं किसी को कोई काम की बात बताने जाता हूँ तो कोई ना कोई बीच में टपक पड़ता है। मुझे कुछ करना होगा, मैं चलता हूँ। फिर और कुछ दिनों के बाद आज तो इसको तारों के बारे में मैं जरूर कुछ बताऊंगा। अरे इसका टेलीस्कोप कहाँ है? लगता है ये आज टेलीस्कोप लाना भूल गई। युकिको जब मैं स्पेस में था तो पता है मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत याद करता था। ये स्पेस में था हा? अरे ये तो वही है जिसकी तस्वीर अखबारों में छपी थी। तुम्हें पता है मैं भी रोज रात को तुम्हें टेलीस्कोप से देखा करती थी। अब समझा, ये इसको देखा करती थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मुझे भी। सीरल देखो टूटा तारा।